हाय एवरीवन मैं हूं अनुकृति और फाइव पैसा आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे इंटराग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के आईपीओ के बारे में चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए टू तो स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ले आईपीओ और स्टॉक मार्केट न्यूज इंटराग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ नाइनटीथ ऑगस्ट को ओपन होगा और ट्वेंटी अगस्त ऑगस्ट ट्वेंटी को क्लोज होगा ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इस आईपीओ में ट्वेंटी टू लैक्स इक्विटी शेयर होंगे जिनका वॉल्ट 200 करोड़ रुपीस है और एक ऑफर फॉर सेल (OFS) भी होगा जिसमें 44 लाख 47,630 शेयर्स होंगे जिनका वॉल्ट 400.29 करोड़ है। प्राइस रेंज 850 से लेके 900 रुपीस पर शेयर है और लॉट साइज 16 शेयर्स का है इसकी शेयर अलॉटमेंट डेट ट्वेंटी अगस्त 2024 है और यह आईपीओ टेंटेटिवली ट्वेंटी अगस्त 2024 को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा एम्बेट प्राइवेट लिमिटेड और एक्सेस कैपिटल लिमिटेड इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नए पीईबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेटअप के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना कीचा तमिलनाडु और पंतनगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अपग्रेडेशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना कंपनी के एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आई टी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करना इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब चलिए इंटरलॉक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं

होल्ड किया है विद अ कैपेसिटी ऑफ 141,000 मेट्रिक टन पर ईयर ईयर फाइनेंशियल 2023 में कंपनी ने इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेडी कंपनीज में ऑपरेटिंग इनकम के टर्म्स टर्म मेंसेंट मार्केट शेयर कैप्चर किया है इंटरक्ट के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और रिलेटेड मटेरियल के सेल शामिल है इन मटेरियल में मेटल सीलिंग्स कॉरोगेटेड रूफिंग्स पीईबी स्टील स्ट्रक्चर्स और लाइट गेज फ्रेमिंग सिस्टम्स शामिल हैं। कंपनी का कस्टमर बेस इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कैटेगरीज में प्रोमिनेंट क्लाइंट्स को इंक्लूड करता है जैसे ग्रासमिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ब्लू स्टार क्लाइमेटिक लिमिटेड इंडिया लिमिटेड और एडवर्ब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में दो श्रीपेम और दो उत्तराखंड में स्पेसिफिकली पंतनगर और कीचा में लोकेटेड है कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग टीम स्ट्रेटेजिकली चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा लखनऊ उत्तर प्रदेश कोयम्बतुरु भुवनेश्वर उड़ीसा और रायपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है इंटराक के सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आई 2023 तक कंपनी के इन हाउस डिजाइन और इंजीनियरिंग टीम में 119 स्किल्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर्स और डिटेलर्स हैं जिनके पास कंपनी के साथ एवरेज 7.66 पॉइंट का एक्सपीरियंस है इनके पीयर्स की बात करें तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंस

फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 29 के बीच इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स 4 टू 5 ट्रिलियन रुपीजी तक पहुंचने की उम्मीद है जो फाइनेंशियल ईयर 2022-2024 के 3 टू 4 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा है इंडिया का फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन 2023 में ग्लोबल यूसेज का 7.6 परसेंट था और कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंसिस्टेंट राइज देख रहा है कंस्ट्रक्शन जीवीए फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में फोर्टीन ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया जो ओवरऑल जीवीए का नाइन परसेंट कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड के राइज़ के कारण कंस्ट्रक्शन जीवीए में फाइनेंशियल ईयर 2012 से 2024 के बीच 5.2% सीएजीआर देखने को मिला Total revenue was reported at 1,306.32 crore rupees for financial year 24 against 1,136.39 crore in financial year 23 and 840.86 crore rupees in financial year 2022, up by 14.95% in one year and 55.36% in two years. PAT was marked at 86.26 crore for financial year 24 against 81.46 crore in financial year 23 and 17.13 crore in financial year 2022. Up by 5.89% in one year and 403.56% in two years. EBITDA was reported at 113.01 crore for financial year 24 against 106.38 crore in financial year 23 and 32.89 crore in financial year 2022, up by 6.23% in one year and up by 243.60% in two years. Total assets for financial year 24 were reported at 755.01 crore against 675.03 crore rupees in financial year 23 and 543.75 crore in financial year 2022 up by 11.85% in one year and 38.85% in two years. Share capital for financial year 24 was reported at 14.42 crore down 3.87% from 15 crore in financial year 23 and financial year 2022

कंपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को सर्व करती है इंटराक्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक फुल रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो प्रोजेक्ट्स के क्वालिटी और टाइमलाइन पर बेटर कंट्रोल अलाउ करता है कंपनी के सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आई एसओ नाइन क्वालिफाइड हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट के कमिटमेंट को अंडरस्कोर करता है अब स्ट्रेंथ्स के अलावा कई रिस्क भी हैं चलिए उन्हें भी देख लेते हैं बिजनेस ज्यादा रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करता है सप्लाई डिस्ट्रक्शन या प्राइस वॉलिटिलिटी से ऑपरेशन और कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का फुल यूज नहीं होता है या एक्सपेंडेड कैपेसिटीज यूटिलाइज नहीं होता है तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है लिमिटेड कस्टमर्स से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है जिससे ऑर्डर कैंसिलेशन या डिले से कंपनी वलरेबल हो सकती है काफी रेवेन्यू रिपीट ऑर्डर से आता है अगर ये लूज हो जाए तो बिजनेस और कैश फ्लो पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कस्टमर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कमिट नहीं करते कैंसलेशन या पेमेंट इश्यूज से कैश फ्लो और अर्निंग्स पे बुरा असर हो सकता है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है सो so कोई भी डिस्ट्रप्शन से ऑपरेशन और फाइनेंशियल हेल्थ पे असर पड़ सकता है तो दैट वॉज ऑल अबाउट इंटर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के आईपीओ के बारे में क्या आप भी इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट आईपीओ और स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए फाइव पैसा को फॉलो करना ना भूलें भूलेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग